पत्नी ने लगाया पति को थप्पड़, खुल गई आदित्य की पोल, खत्म हुआ जमाई राजा का खेल। अरे वाह, पर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे ये तो कमाल है, गोयंका परिवार की सुपर बहुरानी नायरा का। जी हाँ, आदित्य चले तो थे नायरा को किडनैप करने, पर उन्हें क्या पता था कि नायरा का अपहरण करना उन पर ही भारी पड़ जाएगा। नायरा इज द हीरो, उसको कोई किडनैप नहीं कर सकता। तो जी हाँ, आदित्य का पासा पलट जाता है, आदित्य नायरा को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन नायरा अपने अपने एक्शन अपना फाइट वाइट सीक्वेंस दिखा के गाड़ी से कूद जाती है और उसके सामने आ खड़ी होती है। जी हाँ, इससे पहले कि आदित्य नायरा को कुछ नुकसान पहुंचा पाते, पलट गई बाजी और दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले आदित्य खुद ही जा गिरे गड्ढे में। भाई वो तो भला हो नायरा और आदित्य की बीवी कीर्ति का, जिन्होंने आदित्य को गड्ढे से निकाल कर पहुंचा दिया अस्पताल। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत डिफ़िकल्ट था, और उसके बाद आदित्य मैन होल में गिर जाते हैं जहाँ मैं और कीर्ति उनको बचाने जाते हैं, और मैन होल से फिर हम उन्हें बचा के हॉस्पिटल जाते हैं। वैसे चिलचिलाती धूप और गर्मी में ये आउटडोर सीन फिल्माना इन कलाकारों के लिए आसान नहीं था, इसके लिए इन्हें करनी पड़ी घंटों की मेहनत। ऑफ कोर्स नानी का पेडिक्योर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम अपने देश की मिट्टी में लोटपोट हो रहे थे, तो मतलब आई मज़ा भी आया। जैसा कि मैंने मतलब बताती हूँ, मेरा कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, हम तीनों का एक्चुअली कार्डियो वेट ट्रेनिंग हो गया आज, जितने पसीने हमने बहाए हैं, जितनी मेहनत हमने की है। आई जस्ट होप ये सीन बहुत अच्छा निकल के आया और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। भाई अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि अस्पताल में आदित्य की सबके सामने होगी बोल खोल, और इसके लिए कीर्ति ने पहले आदित्य के पांव पकड़कर उससे माफी मांगने की एक्टिंग की, ताकि आदित्य सारा सच उगल दे। तुम मुझसे जीत जाओगी, तुम्हें लगा था तुम दो तो जीत जाओगी, मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे तुम दो क्या, तुम जैसे 20 को संभाल सकता हूँ मैं। और उसके ऐसा करते ही हाजिर हो गया कार्तिक पुलिस और घर वालों के साथ, जिन्होंने सुन लिया आदित्य का कबूलनामा। तो भाई आखिरकार आदित्य का खेल हो गया खत्म, और कीर्ति को मिल गई आदित्य के जुल्म सितम से मुक्ति, और अब इस नाजुक घड़ी में कीर्ति का साथ देगा नायरा का भाई नक्श। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।